अब हम बात करते हैं कार्बन के यौगिकों के नामकरण की। देखो नामकरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अभी तो ओनली अपन 10th क्लास के अंदर है, इसके बाद 11th और 12th, इसके बाद आगे जितने भी आप आगे जाओगे हर जगह आपको नामकरण पूछे जाएंगे, तो नामकरण आने बहुत जरूरी है। देखो नामकरण की हमारे पास मोटा मोटी तीन पद्धतियां होती है। पहली जो पद्धति है जिसका मैं नाम यहां पर लिख रहा हूं वो है रूढ़ पद्धति। देखो रूढ़ पद्धति है ये नामकरण की सबसे पुरानी पद्धति है। इस पद्धति के अंदर यौगिकों का नाम अपन उनके उत्पत्ति स्रोत जहां पर वो अपन को मिलते हैं या जहां पर वो निकल कर सामने आते हैं, मतलब जहां पर वो बनते हैं, तो उत्पत्ति स्रोत के आधार पर उसको देखकर वो जिस चीज से अपन को प्राप्त हो रहा उसके आधार पर अपन उसका नाम रख देते थे, ये पुरानी पद्धति है। तो इस आधार पर कुछ एक यौगिक ऐसे हैं जिनका अपन ने नाम रख रखा है, उनके अपन बात करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे CH4 लिखा था, मैंने वहां पर इसका नाम बताया था, ये मेथेन बताएगा, लेकिन इसका रूढ़ पद्धति के अंदर नाम होता है मार्श गैस। अब देखो इसको मार्श गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप अगर जाओगे जहां पर मान लो कीचड़ वगैरह होता है, जो दलदली इलाका होता है, वहां पर एक अजीब सी भीनी भीनी बदबू आती है। अब वो जो इलाका है जिसको अपन बोलते हैं दलदल, उसको लैटिन भाषा के अंदर बोलते हैं मार्शल एरिया। तो उसी मार्शल एरिया से निकलने वाली जो गैस होती है उसको अपन बोल देते हैं मार्श गैस। तो उसी लैटिन नाम के अकॉर्डिंग इसका जो नाम है रूढ़ पद्धति के अंदर वो था मार्श गैस। इसके बाद बात करते हैं जैसे इसकी CH3OH, जिसको अपन IUPAC में तो बोलेंगे मेथेनॉल, लेकिन यहां पर अपन इसका नाम मेथेनॉल नहीं लिखे, अपन इसका नाम लिखेंगे कास्ट स्पिरिट। देखो इसका नाम कास्ट स्पिरिट क्यों पड़ा, क्योंकि जब अपन लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी का बंजर आंसू करवाते हैं, तो उस समय ये गैस निकलती है। अब ये जो गैस है ना ये हमारी आंखों के लिए बड़ी खतरनाक होती है। अपन ने देखा हो जब अपन लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है हमारी आंखों के अंदर जाता है, तो हमें भयंकर जलन होती है। तो ये वही गैस है कास्ट स्पिरिट, लकड़ी को जलाने से प्राप्त होती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं कास्ट स्पिरिट। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं आपके एसिटिक एसिड जिसको अपन बोलते हैं, ये रहा एसिटिक एसिड। ये इसका नाम एसिटिक एसिड क्यों पड़ा भाई, क्योंकि जो सिरका होता है हमारा जो कि प्रिजर्वेटिव के तौर पर अपन काम में लेते हैं, इसका लैटिन भाषा के नाम है के अंदर इसका नाम है एसिटम। तो उसी एसिटम नाम के कारण इस एसिड का नाम पड़ गया एसिटिक एसिड। ऐसे अगर अपन बात करें इसकी HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल, और इसका नाम मैंने आपको बताया था एसिटिक एसिड। देखो फॉर्मिक अम्ल नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो है ना फॉर्मिक एसिड या HCOOH, ये जो लाल वाली अपनी चींटी होती है उसके अंदर पाया जाता है, और ये जो लाल वाली चींटी है उसका लैटिन भाषा के अंदर नाम होता है फॉर्मिका, और उसी फॉर्मिका से प्राप्त होने के कारण इस अम्ल को हम बोल देते हैं फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल। एक और अपने सिलेबस के अंदर जो देर का उसकी अपन बात करते हैं, जो कि है लैक्टिक एसिड। ये देखो है लैक्टिक एसिड, इसका नाम लैक्टिक एसिड क्यों पड़ा, क्योंकि देखो जब अपन दूध से दही बनाते हैं तो लैक्टोबैसिलस एंजाइम की उपस्थिति के अंदर ये घटना होती है, और लैटिन भाषा के अंदर जो आपका दूध है उसको लैक्टम बोलते हैं, तो उसी लैक्टम नाम के कारण इसका नाम पड़ गया लैक्टिक एसिड। तो ये तो थे हमारे रूट पद्धति के अंदर कुछ नाम। अब बढ़ते हैं इससे आगे वाले, इसके बाद हमें बात करनी है हमारे एक और पद्धति आती है इसके तुरंत जो इसकी सक्सेसिव जिसको अपन बोलते हैं, उसका नाम है व्युत्पन्न पद्धति, डिराइव्ड सिस्टम। देखो डिराइव्ड सिस्टम के अंदर क्या होता है, पहले तो मैं उस पद्धति का नाम लिख दूं, व्युत्पन्न पद्धति। देखो इस पद्धति के अंदर अपन किसी एक यौगिक को मुख्य यौगिक मान लेते हैं, छोटा सा एक लेते हैं उसको अपन ने मुख्य यौगिक मान लिया, उसका नाम अपन ने रख दिया। अब बाकी उससे जितने भी बनेंगे ना उसका नाम तो आएगा, जो जितने और उसके साथ जुड़े हुए होंगे उन सबको प्रतिस्थापी मानकर और उसका नाम कर देंगे। जैसे ये है आपका CH4, इसका नाम मैंने पहले डिफाइन कर दिया, इसका नाम है मीथेन। अब चाहे कैसे हाइड्रोकार्बन क्यों ना जाए, मैं इसका व्युत्पन्न उसे मानूंगा और व्युत्पन्न मानकर उसका नाम कर दूंगा। एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे मान लो ये है CH3CH3, मैं इसी से आपको तीन चार एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि यहां पर काफी कंफ्यूजन होती है, काफी बच्चों की होती है। इसका नाम देखो क्या लेंगे अपन, मैंने कहा इसके अंदर देखो एक तो आपको ये समूह दिख रहा है, कोई सा भी ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, एक ही बात है। अब किसको अपन मानेंगे, देखो यहां पर तो अपन किसी को भी ले सकते हैं, एक और एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं CH3CH3CH3, इसको एक बार CH कर देता हूं, एक और एग्जांपल यहां पे लिखता हूं मैं CH3C CH3CH3 और CH3।
अब देखो इसके अंदर तो आप किसी को भी मेन मान लो। अब देखो आप सोच रहे होगे ये तो CH4 है लेकिन यहाँ पे तो CH3 ही है। तो देखो ये बात तो हमें भी पता है, अभी अपने स्टार्टिंग अंदर बात की थी कार्बन की वैलेंसी अधिकतम 4 ही हो सकती है, 4 से ज्यादा वो बंध बना नहीं सकता। तो इसकी 4 तो पहले से ही है, अगर इससे किसी दूसरे कार्बन के साथ बंध बनाना है तो उसको एक हाइड्रोजन अपना हटाना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब इसको अपना एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा तो यहाँ पे खाली CH3 बचेगा। अब वो CH3 चाहे तो आप इसको मान लो चाहे आप इसको मान लो, किसी को भी मान सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो आपने चल गया किसी को भी मान लिया, क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पर अपन मुख्य किसको मानेंगे ऐसे सिचुएशंस के अंदर, जब यहां पर अपन एक ही चीज देखेंगे प्रतिस्थापी अपन को जितने ज्यादा मिल सके बस उतना अपने लिए बढ़िया बात है। अगर देखो मैं इसको मुख्य मानता तो इसके प्रतिस्थापी किसको मानोगे आप ये समझ लो एक बार के लिए कि हाथ बाहर निकाल के जितने हाथ बाहर निकले हुए होंगे उसके उतने ज्यादा प्रतिस्थापी होंगे। ये आपके CH3 है, इसके एक हाथ बाहर निकल रहा है यानी इसके एक ही प्रतिस्थापी अपन को मिल रहा है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके भी देखो एक ही हाथ बाहर निकल रहा है मतलब इसके भी एक ही प्रतिस्थापी है। इसकी अगर बात करूं तो ऐसे इसके एक हाथ निकला, लेकिन अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसके देखो एक हाथ इधर निकल रहा है, एक इधर निकल रहा है, एक इधर निकल, इसके तीन तीन हाथ निकल रहे हैं। तो मैं मुख्य किसको मानूंगा? इस वाले को मैं मुख्य मानूंगा। और मुख्य वाले का नाम मैंने आपको बताया, इसका नाम तो मैं मेथेन लूंगा, बाकी सबको प्रतिस्थापी मानते हुए इनका नाम लिख दूंगा। ऐसे इसके अंदर मुख्य ये वाला क्योंकि इसके भी चार हाथ निकल रहे हैं, इसमें तीन थे और इसके अंदर चार हाथ निकल रहे हैं। और ऐसे अगर मैं इसको बनाता CH3 CH2 CH3 तो इसके अंदर देखो अगर इसको मुख्य मानता तो उसके एक ही हाथ है, इसको जब मुख्य मानूंगा तो इसके दो दो हाथ आ रहे, तो इसलिए इसको मैं मुख्य मानूंगा, इसका नाम मेथेन होगा, बाकी सबको प्रतिस्थापी अपन मानेंगे। अब देखो ये CH3 समूह है, प्रतिस्थापी के रूप में इसका जो नाम होता है वो है मेथिल। तो अब मैं फटाफट से इसका नाम आपको बताता हूं, सबका बता देता हूं। देखो इसको अपने मुख्य मान दिया तो जो मुख्य होता है उसका नाम आप पहले लिख दो मेथेन, इसका नाम तो मेथेन आना ही आना है। अब इस मेथेन के आगे अपन जो प्रतिस्थापी होगा उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर CH3 है प्रतिस्थापी के रूप में, और प्रतिस्थापी के रूप में जब CH3 होता है उसका नाम होता है मेथिल, तो इसका नाम मेथिल हो गया। तो ये अपना पूरा इसका नाम बन गया मेथिल मेथेन पूरे हो का। इसकी बात करें इसका नाम तो अपन फिक्स कर दिया मेथिल है ही, यहाँ पर एक मेथिल है, सॉरी इसका नाम तो मेथेन है बीच वाले का, इसका नाम मेथिल है, इसका नाम मेथिल है, अपने पास दो मेथिल मिल गए। जब अपन को दो मिल जाते हैं तो अपन उसके आगे लगाते हैं शब्द डाई, तीन मिलते हैं तो ट्राई, चार मिलते हैं तो टेट्रा। तो यहाँ पर दो मिल रहे अपन को तो उसका नाम हो गया डाई मेथिल मेथेन। मेथेन तो नाम देंगी, बीच वाला जो है इसको अपन ने मुख्य मान लिया। ऐसे इसका नाम अगर मैं देऊं तो उसके अंदर तीन मेथिल समूह अपन को मिल रहे तो उसका नाम हो गया ट्राई मेथिल मेथेन। इसका नाम एक दो तीन चार चार तो मेथिल है और एक बीच वाला मुख्य यानी मेथेन है, तो टेट्रा मेथिल मेथेन इस प्रकार से हम इनका करते हैं नाम। तो ये थी हमारी व्युत्पन्न पद्धति आज की। ये जो वीडियो है अभी की इसमें फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरी वीडियो के अंदर बात करेंगे IUPAC जो हमारे नामकरण की पद्धति है उसके बारे में, क्योंकि IUPAC जो नाम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए नहीं बल्कि फॉर एवर के लिए। और आपके एग्जाम के लिए बता दूं मैं, ये जो रूट पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति है ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंस रखती है, IUPAC जो पद्धति है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और आपके एग्जाम के अंदर श्योरली IUPAC पद्धति से कम दो क्वेश्चन जरूर जरूर आएंगे। तो अगली पूरी वीडियो के अंदर अपन IUPAC को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम।